मुरादाबाद महानगर वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि मुरादाबाद से बम्बई तक की ट्रेन की मांग को अब पूरा कर लिया गया है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि हों या फिर शहरवासी लगातार रेल प्रशासन से ये मांग कर रहे थे कि मुरादाबाद से सीधे बम्बई तक की नई ट्रेन शुरू की जाए, जिससे व्यापारी वर्ग को भी फ़ायदा पहुँचे, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने अब इस मांग को पूरा कर दिया है। अब मुरादाबाद से सीधे बम्बई तक की ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। ये ट्रेन सप्ताह में एक बार चलाई जाएगी, जिसका सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मुरादाबाद डिवीज़न के कई स्टेशनों से होती हुई ये बम्बई पहुंचेगी। मुरादाबाद के रेलवे प्रशासन का ये कहना है कि अब इस ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार को ये ट्रेन मुरादाबाद पहुँचेगी। मुरादाबाद रेलवे डिवीज़न में रहने वाले सभी निवासियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब मुरादाबाद से मुंबई तक के लिए ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि मुरादाबाद से मुंबई तक की ट्रेन के लिए मुरादाबाद के नागरिक कई वर्षों से प्रयासरत थे, मांग भी कर रहे थे। आखिरकार रेल प्रशासन ने इस पर मुहर लगा दी। अब मुरादाबाद से मुंबई तक के लिए ट्रेन यहां के निवासियों के लिए मौजूद है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। बांद्रा टर्मिनल से शुरू हुई ये ट्रेन शुक्रवार को जैसे ही मुरादाबाद पहुंची तो हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई। रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे और कह रहे थे कि मुरादाबाद के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, अब वो मुरादाबाद से सीधे मुंबई तक के लिए सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन को लेकर जनप्रतिनिधि भी खुश हैं। मुरादाबाद रेलवे डिवीज़न के सीनियर DCM आदित्य गुप्ता ने जानकारी दी कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनल से इस ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। आशा की जा रही है कि ट्रेन मुरादाबाद के व्यापारी और क्षेत्रवासियों के लिए लाभदायक होगी। ये मुरादाबाद वासियों के लिए बहुत खुशखबरी की खबर है कि अब उनको एक डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी बॉम्बे मुंबई क्षेत्र से हो जाएगी। बांद्रा टर्मिनस से लालकुआं के लिए एक गाड़ी का बोर्ड से अभी अप्रूवल हुआ है, ये सप्ताह में एक बार चलेगी। इसका इनॉग्रेशन वाला जो रन है, जो पहला रन है, वो कल बांद्रा स्टेशन से हुआ था और आज ये गाड़ी शाम 5:10 पर मुरादाबाद में आएगी शेड्यूल्ड और ये फर्दर जाके लालकुआं में टर्मिनेट होगी। इसका जो रेगुलर रनिंग का नोटिफिकेशन है, जब से ये चलाई जाएगी हफ्ते में एक बार, उसका नोटिफिकेशन अभी निकलना ड्यू है। ये निकलते ही इस गाड़ी की रेगुलर रनिंग चालू हो जाएगी। मेरी कोशिश ये लगातार है कि जैसे बॉम्बे और दिल्ली या कलकत्ता, ये इस तरह के सेंटर्स हैं, ये मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं, इससे हमें कनेक्टिविटी के ऑप्शंस लगातार बनते रहें। वर्तमान में जैसे जो बरेली क्षेत्र के लोग हैं, तो बरेली से आने जाने में 3 गाड़ियां हैं जो बॉम्बे क्षेत्र से बरेली को जोड़ती हैं। मुरादाबाद के लिए ये पहली सर्विस है। इसका जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें फेयर कितना है, क्लास वाइज कितना फेयर आएगा लोगों को, वो सारा का सारा डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। जैसे ही आएगा ये सब कुछ सूचित कर दिया जाएगा और प्रयास यही है कि लंबी दूरी के जो गंतव्य हैं उनसे हम लोग डायरेक्टली, मुरादाबाद क्षेत्र के जो वासी हैं उनसे डायरेक्टली उनसे जुड़ सकें। नहीं, वर्तमान में इसको एक दिन के लिए चलाया गया है। जैसे जैसे इसका पेट्रोनेज और ऑक्यूपेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेंसी के परसेंटेजेस, इसके एनालाइज किए जाएंगे और आने वाले टाइम में अगर इसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी बनी रहती है तो ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इसको सप्ताह में और दिनों के लिए बढ़ाया जा सके। ये और भी कई चीज़ों पर निर्भर करता है कि जो अगल बगल के जो इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं, जैसे दिल्ली हो गया या आगे के जो बाकी मंडल हैं, उनमें क्या समय सीमा हमें मिलती है। लेकिन अगर इसका ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज अच्छा रहेगा, लोगों से इसका, लोगों का आकर्षण इसके प्रति बना रहेगा, तो ऐसी संभावना हमेशा बनी रह सकती है कि इसके सप्ताह में और फेरे बढ़ाए जाएं।